हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर अग्निवीर भर्ती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। कांग्रेस नेता केंद्र सरकार की मोदी और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी तरह हिमाचल के अन्य जिलों में भी अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि अग्निपथ योजना देश के करोड़ों युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने बताया कि 40% आबादी युवाओं की है और मोदी सरकार 4 साल के लिए रोजगार देकर ताउम्र के लिए उन्हें ठोकरें खाने को मजबूर कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर युवाओं के साथ खड़ी है और इसका जोरदार ढंग से विरोध भी किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के अधिकांश गांव से युवा सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन अब उनका सेना में जाने का सपना टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।